हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टॉपिक नंबर 7, स्केलेटन सिस्टम या कहें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इसके पहले वीडियोस के अंदर हमने ह्यूमन बॉडी के मसल का डिटेल स्ट्रक्चर को समझा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक मैकेनिज्म है उसको समझा था, राइट? और उससे पहले के वीडियोज में हमने लोकोमोशन मूवमेंट में थोड़े से कुछ डिफरेंस बिटवीन और एग्जैक्टली लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है वो देखा। अब इतने सारे वीडियोस देखने के बाद में हमको एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का, या हमारी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हमारी होल बॉडी जाती है। होल बॉडी जा रही है तो उसके अंदर की जो बोन्स है वो भी जा रही है, उसके साथ में जो मसल्स अटैच है वो भी जा रहे हैं, और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो सबका सब मूव हो रहा है, राइट? तो बॉडी की मूवमेंट के लिए क्या जरूरी था? स्केलेटल मसल्स। हमने डिफरेंट टाइप के मसल्स पढ़े थे, राइट? तो स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स थे जो बोन के साथ में एसोसिएटेड थे, तो बोन की मूवमेंट के लिए वो मसल्स का होना बहुत जरूरी था। अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो बोन्स हैं जो स्केलेटल मसल्स के साथ में लगी हैं वो मूव होती है, ठीक? अब हमको देखना है कि जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी में कहां पर कैसी प्रेजेंट है, उनके नाम क्या है। अगेन 206 बोन्स है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। मसल देख लिया हम लोगों ने, उसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया, उसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म भी समझ लिया। अब वही मसल्स के जो साइड में बोन लगी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें 206 बोन्स के नाम नहीं याद करने हैं इस चैप्टर के अंदर, कुछ गिने चुने स्पेशल बोन्स हैं उनके बारे में ही हमको समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, जो भी बोन्स मैं आपको बताऊंगी, जहां पे उसका लोकेशन बताऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको जितना हो सके अच्छे से समझ में आ जाए और इसी वीडियो के दौरान आपको वो बोन्स के नाम भी याद हो जाए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम। सिस्टम है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होगी। स्केलेटन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, ह्यूमन स्केलेटन की बात हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर? बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर 206, लेकिन जो कार्टिलेजेस है वो है केवल कुछ फ्यू कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। अब इन बोन्स के साथ में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। टिश्यू कनेक्टिव है तो कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, बोन्स को किसी दूसरी बोन से कनेक्ट कर रहे हैं या कहीं कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंदर क्या आ जाते हैं? कुछ कनेक्टिव टिश्यूज, और उन टिश्यूज का नाम होता है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, राइट? तो अभी हमने 1, 2, 3, 4 न्यू टर्म्स देखे। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, उसका सिस्टम बना हुआ है स्केलेटन सिस्टम। आप बायोलॉजी लैब में जाते हो तो वहां पर भी देखते हो, हड्डियों का ढांचा रखा रहता है, व्हाइट कलर का एक स्कल होता है, पूरी बॉडी की जितनी बोन्स है आपको वो दिखाई देती है, वो सारी हो गई बोन्स। देन उसके साथ में होती है क्या? कुछ कार्टिलेजेस। इट मीन्स बोन हार्ड होती है, कार्टिलेजेस काफी सॉफ्ट होती है, जैसे हमारी नोज के ऊपर की ये कार्टिलेज है, ईयर है, ये सॉफ्ट है, लगता है हार्ड है बट ये सॉफ्ट है, बेंड हो जाता है, तो वो कार्टिलेज है। और इनके साथ में प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। इन सब के बारे में डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक? अब बात करते हैं जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो है एंडोस्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन सिस्टम। अब ये क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम जो है, जिसमें बोन्स प्रेजेंट है, जो हमारी पूरी बॉडी को एक फ्रेम देती है, वो अगेन टू टाइप्स के होते हैं। होते थ्री टाइप्स के हैं बट बेसिकली हम यहाँ पे केवल टू टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो कैसा है? एंडोस्केलेटन, वो ह्यूमन का है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का है। और दूसरा क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है जो स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन्स प्रेजेंट है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर ही है। हमारी बॉडी में कोई भी बोन तो दिखाई देती नहीं है, स्किन दिखाई देती है, हड्डी कहां पर है? अंदर। लेकिन जो एक्सोस्केलेटन होता है उसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो बॉडी के बाहर होता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कोई भी क्रिएचर हमने नहीं देखा है जिसकी बोन्स हमें बाहर दिखाई दे। मानती हूं स्केलेटन के अंदर, हमारे स्केलेटन सिस्टम में बोन्स प्रेजेंट है जो बनी है फॉस्फोरस और कैल्शियम से, लेकिन एक्सोस्केलेटन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पेशली आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि स्पाइडर हो गया, क्रैब्स हो गए,
उनके अंदर कैल्सीफेरस सेल्स होते हैंगे, उसके अंदर बोन्स नहीं होती है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की नहीं होती है, इसलिए वो एक्सोस्केलेटन होते हैं। जो एंडोस्केलेटन के अंदर हमारी बोन्स होती है वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कार्टिलेजेस के साथ में मिलके। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बोन्स भी छोटी होती है, हमारा साइज भी छोटा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा साइज बड़ा होता है, हमारी बोन का साइज भी बड़ा होता है। तो इट मीन्स जो बोन्स होती है एंडोस्केलेटन के अंदर वो जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे वो ग्रोथ होता है, बट एक्सोस्केलेटन के अंदर ऐसा नहीं होता है। बस इतना सा हमें याद रखना है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैसा है, एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी के साथ ही ग्रो करता है एक पर्टिकुलर एज तक, उसके बाद ग्रो नहीं होता है। और ये सिस्टम के अंदर आती है क्या, बोन्स कार्टिलेजेस आती है, राइट। और इसमें कौन कौन आते हैं, वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन हो गया, फिश हो गई, इन सब के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है, और एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड के अंदर होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर हमें देखना है सिंपल सा, बस बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में डिफरेंस बिटवीन। ज्यादा डिटेल में हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि बोन्स क्या है और कार्टिलेजेस क्या है। बोन्स है, सबको पता है, हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होती है और कैसी होती है, प्लेएबल इन नेचर होती है। सॉफ्ट एंड प्लेएबल का मतलब दोनों का सेम होता है, राइट। जो बोन्स है इनकी ग्रोथ बाई डायरेक्शन होती है, अगर एक ये बोन है तो वो यहां से भी ग्रो करेगी, यहां से भी ग्रो करेगी। लेकिन कार्टिलेजेस की ग्रोथ कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, जो बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर इनका नंबर ज्यादा है, 206 बोन्स है, कार्टिलेजेस बहुत ही कम होती है, राइट। अब हमें देखना है डिटेल में ये बोन के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट है और ये 206 बोन्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके लिए पहले हम एक ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं, एक कार्टून टाइप की, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी हो गई, ये इसके इस तरह से लेग्स हो गए। तो ह्यूमन बॉडी को अगर बीच से डिवाइड कर दें, एक्सिस से, ये बीच से ऐसा डिविजन हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही बोन्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। जो 206 बोन्स हैं, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन और सेकेंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो, एक्सियल स्केलेटन का मतलब है वो बोन्स, वो स्केलेटन सिस्टम की बोन्स जो एक्सिस के आसपास है। एक्सिस कहां पर है, ये पूरी हमारी एक्सिस जा रही है, कहां से जा रही है, हेड से होकर जा रही है अप टू यहां तक, हमारा ये पेल्विक एरिया तक जो है ये एक्सिस गई है। तो इसके आसपास की जो बोन्स है वो कौन सी बोन्स होंगी, एक्सियल स्केलेटन की बोन्स होगी, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो बोन्स आएंगी, ठीक है। और जो बाकी की बची बोन्स है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आएंगी। अपेंडिजेस का मतलब मैंने क्या बताया था, पार्ट्स, राइट। कुछ बड़ी चीज के छोटे छोटे पार्ट्स है। अब ये एक्सिस है ह्यूमन की बॉडी की और इसके यहाँ पे ये मेन पार्ट्स है, तो हमारे जो हैंड्स हो गए अपर लिम्स, लोअर लिम्स में हमारे लेग्स हो गए, जो गर्डल्स होता है पेल्विक गर्डल हो गया हिप के पास में, ये सब क्या है, ये हमारे बोन्स जो है साइड में अटैच है। मेन एक्सिस जो बॉडी है, हेड है यहाँ पर, ये चेस्ट है, पीछे बैकबोन है, इसके साइड में ये हैंड्स क्या है, अटैच हो रखे हैं यहाँ पर। लेग्स क्या है, यहाँ पेल्विक गर्डल में अटैच है। तो ये कैसे अपेंडेजेस हैं, कुछ पार्ट्स है हमारी बॉडी में क्या है, अटैच हो गए हैं। तो वो सारी बोन्स आती है किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया कैसे हमने बोन्स को डिवाइड कर रखा है। अब जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें आती है टोटल 80 बोन्स और जो बाकी की बोन्स बची 206 में से 80 बोन्स माइनस कर देंगे तो बोन्स बचती है 126 बोन्स आती है किसमें, अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर, स्केलेटन सिस्टम के अंदर। हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है कौन सी, एक्सियल स्केलेटन की ये 80 बोन्स के बारे में। सुन के लग रहा होगा 80 बोन्स है, लेकिन इनमें से भी कुछ गिनी चुनी बोन्स को हमें पढ़ना आएगा। अब हम यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर 80 बोन्स को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सिस, एक्सिस वर्ड आ रहा है तो ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये हो गई। और इसकी एक्सिस मैं यहां से बना रही हूं, ये हो गई क्या, एक्सिस हो गई, ठीक है। आप अपने ऊपर भी देख सकते हो इस तरीके की एक्सिस बना के, राइट। तो ये नोज का बिल्कुल हाफ कर देना है हमको, यहां से बिल्कुल हाफ करना है। तो ये एक्सियल पार्ट में कौन कौन आ रहा है, ये पूरा हेड आ रहा है हमारा,
आ रहा है हमारा सिर आ रहेगा, इसमें ऊपर का हेड है, इसमें फेस भी आ रहा है, ईयर्स भी आ रहे हैं, आ रहे ईयर्स भी आ रहे हैं, राइट। उसके बाद में नीचे चलते जाएंगे तो ये कौन सा पार्ट आ गया, हमारा चेस्ट पार्ट आ गया। यहां पे प्रेजेंट होती है कौन सी एक बोन, स्टेरनम, ठीक है। यहां से निकली होती है क्या, रिब्स, और ये रिब्स पीछे जाके किस पे ज्वाइन होती है, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैक बोन पे क्या हो जाती है, पीछे बैक में जाकर, यहां पे लिख देती हूं मैं, वर्टिब्रल कॉलम में जाके ज्वाइन हो जाती है। तो एक्सिस के पास में केवल इतने ही दिख रहे हैं, इसके नीचे का हम लोग यहां पर इसको एक्सिस नहीं मानते, केवल यहां तक हम इसको क्या मानते हैं, एक्सिस मानते हैं। तो कौन कौन आ गया, हमारा हेड आ गया, उसमें फेस है, ईयर्स है, देन पीछे की वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की बात करें तो एक स्टेरनम है और हमारे रिब्स है। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर मैं इसको कैसे करती हूँ, फोर टोटल, वो सिक्स पार्ट में है, लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो फोर पार्ट्स में है। सबसे पहला आ जाता है क्या, स्कल, ऊपर से बात कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा स्कल आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, हमारे ये साइड के ईयर ऑसिकल्स, राइट। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है आपकी, यहां पर ये रिब्स, और फोर्थ नंबर पे आती है क्या, वर्टिब्रल कॉलम, राइट। अब आप बोलोगे सिक्स पार्ट कैसे हो गए, जो ये स्कल है अगेन इसके अंदर ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, जो हमारा ऊपर का हेड वाला पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। तो इसके अंदर की जो बोन्स है वो कौन सी हो गई, क्रैनियल बोन्स, कौन सी बोन्स हो गई, क्रैनियल बोन्स। अब ये ऊपर का हो गया स्कल में, ये पूरा हमारा स्कल है और इसमें ऊपर का पार्ट क्रैनियल हो गया, तो ये आगे का पार्ट कैसा हो गया, फेशियल, फेस वाला, तो इधर आ जाएंगी कौन सी बोन्स, फेशियल बोन्स आ गए, ठीक। तो क्या क्या कवर हो गया, क्रैनियल, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स हो गए, ईयर ऑसिकल्स, उसके हम नीचे गए रिब्स, रिब्स हो गई। अब रिब्स का किससे जुड़ी हुई है, स्टेरनम से जुड़ी हुई है, तो यहां पर हम एक और लिख लेते हैं कौन सी, स्टेरनम, ठीक। बीच में एक बिल्कुल सेंटर में क्या है, ये स्टेरनम बोन है, और इसके साइड से निकली है क्या, रिब्स। अब रिब्स जाके कहां जुड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो अभी कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, ये हमारा जो नीचे का पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे बोन का नाम होता है हायोइड बोन, इसके पीछे जो हमारी टंग है, ये जो टंग है, यहां पर एक बोन बोन से वो जुड़ी हुई है, यहां पर ये होता है मैंडिबल, इसके पीछे होती है एक बोन जिसका नाम होता है हायोइड बोन, ठीक है। वो वाली बोन भी इस पार्ट के अंदर आती है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कहां कहां पे प्रेजेंट है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये 80 बोन्स है, ये 80 बोन्स में स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स है, क्रैनियल बोन्स है 8, हमारे यहाँ ऊपर वाले पार्ट में 8 बोन्स है, फेस में टोटल 14 बोन्स है, ठीक है। एक एक का नाम भी हम याद करेंगे। ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो ईयर, एक ईयर के अंदर 3 बोन होती है अंदर जाकर, तो दूसरे ईयर में भी 3 हो गई, तो 3+3 कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरीके से लिख सकते हैं 3 pairs या 6 बोन्स, ठीक। तो यहां पर मैं इधर लिख देती हूँ 3 pairs और 6 बोन्स। हायोइड बोन कितनी है, ओनली 1 बोन है। रिब्स कितनी है टोटल, राइट साइड की 12 रिब्स है, लेफ्ट साइड की 12 है, तो टोटल कितनी हो गई, 24 रिब्स। तो यहां पर मैं लिखती हूं 12 pairs और 24 बोन्स हो गई, ठीक। स्टेरनम कितनी है, 1 है, स्टेरनम केवल 1 है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स है। कितनी बोन्स है, 26। तो हमें वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन्स के नाम याद नहीं रखने, एक स्टेरनम का याद रखना है, रिब्स टोटल 24 है, इनके भी कोई नाम नहीं है, बस रिब्स 24 होती है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं, स्टेरनम 1 होती है, हायोइड बोन 1 होती है, ईयर ऑसिकल्स के अंदर 6 बोन्स है, उसके केवल 3 नाम याद रखने, क्योंकि एक के 3 याद रख लो तो दूसरे के 3 भी वही नाम होते हैं। नाम कहाँ याद रखने हैं, 8 क्रैनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स, वो भी बहुत आसानी से इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब उनका हम एक डायग्राम बना के ये सारी बोन्स को समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हम क्रैनियल बोन्स के बारे में। कौन सी बोन्स के बारे में? क्रैनियल बोन्स के बारे में। इट मीन्स हमारे स्कल के ऊपर वाला जो पार्ट है, क्रैनियम पार्ट है, जो क्रैनियम बोन के अंदर यहाँ पे जो बोन्स हैं, उनके बारे में हमको नाम याद रखने हैं। टोटल कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे बोन्स हैं, उसके बाद हम लोग उनके नाम पढ़ेंगे। सबसे पहली बोन होती है ये पूरी आंखों के ऊपर से, यहां से पूरी लाइन गई यहां तक, जहां पर हम ये क्लेचर लगाती है, गर्ल्स स्पेशली यहाँ पे ये क्लेचर लगाती है, इस पॉइंट पे पफ बनाकर, यहां तक हमारी होती है क्या? एक बोन। क्रैनियल बोन्स में से एक बोन होती है ये वाली, ये पूरी यहां तक गई है, राइट। और जो बॉयज होते हैं कुछ इस तरीके से बाल करते रहते हैं, तो ये जो बोन्स है जिसके ऊपर उनके बाल है, यहां पर ये वाली बोन हो गई फर्स्ट बोन। किसकी? क्रैनियल की। 8 बोन्स में से एक बोन हो गई ये वाली, ठीक है। फिर पीछे की तरफ में, यहां पीछे की तरफ में 1, 2, ये 2 बोन्स हो गई, ठीक है। फिर लास्ट में सबसे नीचे यहां पर होती है 1, एक बोन नीचे की तरफ में, ये हो गई आपकी 1, इधर हो गई 2 बोन्स 1, 2, पीछे हो गई 1 बोन, ठीक। फिर जो हमारे ईयर्स हैं, ये जो हमारे ईयर्स हैं, ये लगे हुए हैं साइड की बोन्स पर, कुछ साइड में बोन्स है इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। तो ये होती है हमारी कौन सी बोन्स कहलाती है? क्रैनियल बोन्स होते हैं। अब हम इनके नाम देखते हैं। अब ये जो बोन दिख रही है सामने की, ये कैसे होता है? फ्रंट की बोन है, तो इसका नाम होता है क्या? फ्रंटल बोन। क्या नाम होता है इसका? फ्रंटल बोन। तो फर्स्ट बोन कैसी है? फ्रंटल बोन, राइट। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कहां पर होगी ये फेस में। उसके लिए हम बना लेते हैं यहां पर इस तरीके का फेस, बना लिया। ये हो गई क्या? आईज, नोज, ये हो गया, ठीक। तो जो फ्रंटल बोन होती है वो होती है इस तरीके से, ये ऊपर से गई पूरा यहां तक ऐसा, ये हो गई फ्रंटल बोन। अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो साइड व्यू के लिए हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये हो गई यहां पर आईज, तो ये जा रही है इस तरीके से, ये साइड से दिख रही है। ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है। अब कौन सी है? सेकंड बोन हमारी कहां की थी? इसके पीछे वाली, एक यहां पर एक यहां पर, जहां पर बनती है 2 पोनी इस तरीके से, ठीक है। तो वो बोन्स के नाम होते हैं पैराइटल बोन्स। क्या नाम होता है? पैराइटल बोन्स। तो अभी फ्रंटल बोन हमने कितनी देखी? 1। ये 1 बोन होती है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं 1, ठीक। दूसरी बोन का नाम क्या था? पैराइटल बोन्स। एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो इनका नंबर कितना होता है? 2। अब उसको भी देख लेते हैं, वो कहां पर बनी होगी। तो देखो यहां फ्रंट से तो हमको वो बोन नहीं दिखाई दे रही है, फ्रंटल, ये पैराइटल बोन हमको नहीं दिखाई देती है, साइड से हमको दिखाई देती है। कौन सी बोन? पैराइटल। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो ये हो गई हमारी साइड की पैराइटल, ये एक तरफ की है। अगर ये इस तरफ घूम जाएगा तो दूसरी पैराइटल दिखेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक और बना सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया बैक, ये फ्रंट का लुक है, ये साइड का लुक है, ये बैक का लुक है, ठीक है, ये बैक का लुक है। तो यहां पे पैराइटल कैसे दिखेगी? ये दिखेगी कुछ इस तरह। ये एक पैराइटल, ये दूसरी पैराइटल, 1, 2, तो कितनी बोन्स हो गई? 2 पैराइटल हो गई। आगे की एक फ्रंटल, 1, 2, 2 पैराइटल बोन्स हो गई। क्रैनियल बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आती है हमारे पीछे की बोन, ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन जो है ओनली 1 इन नंबर, तो ये कहां प्रेजेंट होगी? फ्रंट से हमें दिखेगी नहीं, बैक से हमको दिख सकती है। यहां पर हमको ये पीछे की तरफ में दिख सकती है। कौन सी बोन? ऑसिपिटल बोन। यहां पे देखें तो हम लोग उसको किस तरह से देख सकते हैं? वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है कौन सी बोन है? ऑसिपिटल बोन है। ये इस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर यहाँ पीछे हेड पर लगी हुई है। अब आप सोचोगे ये होल कैसा है? ये होल है यहां पर एक छेद जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। अब ये छेद क्यों है?
ये इसलिए है, जो हमारा ब्रेन होता है उसके साथ में होती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। हमने पहले भी देखा था नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन तो यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी पूरी बैक में पीछे वर्टिकल कॉलम के अंदर चली आती है, आती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को निकलने के लिए अगर ये पूरी ऑसिपेटल में अगर यहाँ पे छेद नहीं होगा तो कहां से निकलेगी, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलेगी। तो यहां पर होता है एक ये फोरामेन मैग्नम करके एक होल, और यहां से क्या निकल के आती है बाहर की तरफ में, स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आती है जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, राइट। तो अभी तक कितना क्लियर हो गया, मैं चार बोन्स के नाम याद कर लिए, फ्रंटल, दो पैराइटल, पीछे की एक ऑसिपेटल, जिसके अंदर एक होल होता है जिसका नाम क्या होता है, फोरामेन मैग्नम होता है, क्लियर। अब बात करते हैं जो एक हमारे दो ईयर्स हैं, ये लगे हैं साइड में दो बोन्स के, उनका नाम होता है टेम्पोरल। क्या नाम होता है उनका, टेम्पोरल। ये कितनी है, ये दो है, क्योंकि एक इधर ईयर के पास एक इधर ईयर के पास, तो इसको हम यहां पर देख सकते हैं। इसको मैं यहां पर बना देती हूँ, ये पैराइटल हो गई, ये ईयर है, तो ये ईयर के पास वाली जो बोन होती है यहां पर प्रेजेंट होती है, कौन सी, टेम्पोरल। एक इस तरफ हो गई, एक उस तरफ हो गई, तो दो टेम्पोरल बोन्स हो गई, क्लियर यहां तक। तो अभी टोटल कितनी हो गई, 1+2=3, 4, 4+2=6 हो गई। अभी दो बोन्स और बाकी है, तो एक का नाम होता है स्पीनॉइड, एक का नाम होता है एथमोइड। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ एंड एथमोइड। अब ये इसका लोकेशन कैसे पता चलेगा, इसका लोकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि ये फ्रंटल जो है हमें आगे दिख रही है, पैराइटल हमें साइड में दिख रही है, ऑसिपेटल हमें पीछे दिख रही है, और टेम्पोरल हमें साइड में भी दिख रही है यहां पर इस नीचे की तरफ में। लेकिन जो स्पीनॉइड और एथमोइड है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जो हमारी आईज होती हैं, इसके पीछे से और पीछे की तरफ में स्पीनॉइड बोन प्रेजेंट होती है, और इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई की तरह। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बैटमैन देखा है, बैटमैन इस तरीके से अपनी आईज के ऊपर कुछ लगा के रखता है, मास्क लगा के रखता है। मान के चलो वो बैटमैन ने आईज के ऊपर मास्क ना लगा के उसने ये फ्रंटल बोन के यहाँ पीछे, यहां पर ये आईज के पीछे वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट है, कौन सी, ये स्पीनॉइड बोन। तो वो इस तरीके से दिखाई देती है, यहां पर होती है, कौन सी, स्पीनॉइड। ये आंख के ऊपर नहीं है, आंख के पीछे की तरफ में बटरफ्लाई शेप की स्पीनॉइड बोन है, और इसके आगे की तरफ में कौन सी है, एथमोइड। ये भी एक है और ये भी एक है, एथमोइड बोन। ये क्यूबॉइडल शेप की बोन होती है, एथमोइड क्यूब शेप की होती है, जो हमारे यहाँ जो नेसल, यहां पर जो नोज है, नोज के पीछे वाला जो एरिया होता है और पीछे की तरफ में, वहां पे प्रेजेंट होती है, राइट। तो अभी तक हमने टोटल 8 पढ़ ली, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपेटल, टेम्पोरल, और यहाँ आईज के पीछे की तरफ में होती है स्पीनॉइड बटरफ्लाई शेप की, और उसके आगे की तरफ में कौन सी होती है, एथमोइड होती है। तो टोटल 8 हो गई, राइट, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑसिपेटल 1, टेम्पोरल भी 2, और बाकी की दोनों 1-1, स्पीनॉइड एंड एथमोइड। तो ये हो गई टोटल हमारी कौन सी बोन्स, क्रैनियल बोन्स, जो हमारे स्कल में आती है, राइट। अब देखो ये वाली बोन्स को मैंने एक छोटा सा एक टॉय है उसमें ड्राइंग करके बताने की कोशिश करी है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक टॉय था जिसका मैंने हेड यूज किया है, तो यहां पर आपको जो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है आईज के ऊपर से और यहां तक जो ये ब्राउन दिख रहा है, तो ये कौन सी बोन हो गई, ये हो गई एक फ्रंटल बोन, ठीक है। ये फ्रंट का लुक है, ये इसका बैक का लुक है, ये साइड का लुक है, ये भी साइड का लुक है। तो फ्रंट में जो बोन है वो कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है, यहां पर, यहां तक आ रही है, ठीक। उसके बाद कौन सी बोली थी, पैराइटल, इसके पीछे, ये जो पीछे है ये पूरा साइड तक इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो पूरी ग्रीन कलर की दिख रही है ये पैराइटल है, लेफ्ट एंड राइट पैराइटल। तो कितनी हो गई, ये दो बोन्स है। उसके पीछे, यहां पर पीछे कौन सी है, ये ऑसिपेटल, जिसके अंदर एक होल है फोरामेन मैग्नम, जहां से इस ब्रेन के पास में ब्रेन है और ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल के आती है, ऑसिपेटल बोन में से बाहर निकल के आती है, हिंड ब्रेन में से यहां से वो बाहर निकल के आती है, ठीक। अब फिर कौन सी थी, फोर्थ नंबर की, टेम्पोरल, जो साइड में है, जो ईयर्स है वो साइड में इस टेम्पोरल बोन के अंदर
लगे हुए, ये ब्लू कलर की जो है कौन सी है, ये टेम्पोरल वन एंड टू। अब ये जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है आपको साइड में यहां पर और यहां पर, ये है स्पीनोइड। ये जो पिंक कलर दिख रहा है ये बोन कैसी होगी, आईज के पीछे गई है पूरी इस तरीके से बटरफ्लाई शेप की, वो हो गई स्पीनोइड। और उसी के पास वहां नीचे कौन सी है, एथमोइड। तो वन फ्रंटल, टू पैराइटल, वन ऑसिपेटल, वन एंड टू टेम्पोरल, साइड में यहां पर एक बोन है कैसी, बीच में यहां पर स्पीनोइड और पीछे की तरफ में क्या है, एक एथमोइड। तो ये हो गई कौन सी, क्रैनियल बोन्स। अब सेकेंड टाइप की बोन्स हमको देखनी है कौन सी, फेशियल बोन्स, जो है 14 इन नंबर और वो भी हमारे स्कल वाले पूरे एरिया में आती हैं। ठीक है, तो हम टोटल 14 बोन्स को विद नंबर्स के साथ में देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बना देती हूँ एक फेस की, राइट। ये हो गई आईज, ये हो गई नोज और ये हो गए लिप्स, इधर हो गई ये ईयर्स, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि फेशियल बोन्स कितनी है, 14 इन नंबर। तो सबसे पहले हम फेस पे नोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नोज होती है हमारी, नोज का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है दो बोन्स, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं नेजल बोन। क्या बोलते हैं इसको, नेजल बोन। अगर मैं इसी का, ये वाले पार्ट का केवल नोज पार्ट बनाऊं, इस तरह की नोज बन गई, तो जो नेजल बोन है वो कहां पे प्रेजेंट होगी, यहां पे प्रेजेंट होगी। ये क्या है, नेजल बोन्स। कितनी होगी, टू। तो यहां पर मैं ये लिख देती हूँ, फर्स्ट हमने कौन सी बोन्स देखी, नेजल बोन्स, जो टू इन नंबर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी बोन्स है, नेक्स्ट बोन के लिए अगेन मेरे को फिर से एक बार एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि वो कहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट मैं यहाँ पे बना देती हूँ नोज, क्योंकि हमने फर्स्ट बोन पढ़ी है कौन सी, नेजल बोन, जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब जो सेकेंड बोन है उस बोन का नाम होता है मैक्सिला बोन। कौन सी बोन, मैक्सिला। तो वो होती है कहाँ पर, ये जो हमारी नोज के साइड से निकल के जाती है, कहाँ से, साइड से। ये हो गई नेजल बोन, ये नेजल बोन, इसके साइड से ऐसे ये पूरी आंखों के नीचे से, जिसको आप छू सकते हो, यहां से जाते जाते ये साइड तक, फिर वो नीचे आती है पूरा यहाँ पे। आपकी जो ये अपर वाला पार्ट होता है, ये जब आप दबा के ऊपर देख रहे हो, ये पूरी कौन सी बोन है, मैक्सिला बोन है। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिला। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से गई है, ये पूरा हमारी आंखों के नीचे से, आंखों के नीचे से यहाँ साइड तक, ये बोन होगी। तो सेम इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो दो मैक्सिला हो गई। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैक्सिला। आई बात समझ में, आप इसको छू के देख सकते हो, ये जो आई ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो महसूस आप कर सकते हो ये हड्डी को, इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्लियर, दो बोन्स हो गई फेशियल बोन में से। अब होती थर्ड नंबर की बोन, ये फर्स्ट, इधर सेकेंड, यहां से सेकेंड स्टार्ट हो रही है, थर्ड इसके पीछे यहां पर, ये मैक्सिला के पीछे की तरफ में होती है कौन सी बोन, लैक्रिमल बोन, यहां पर ये होती है एक और ये दो, राइट लैक्रिमल बोन, लेफ्ट लैक्रिमल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड मैंने लिख दी कौन सी, लैक्रिमल बोन्स, अगेन टू इन नंबर होती है। ये बोन के अंदर यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, वहां पर एक छोटा सा सैक होता है, थैली होती है, जहां पे हमारे टीयर्स स्टोर होते हैं, और जब हम रोते हैं तो
तो वो यहाँ से निकल कर, ये लैक्रिमल बोन में से लैक्रिमल ग्लैंड होता है, यहाँ से निकल के हमारी आंखों से बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो थर्ड बोन भी हो गई। अब कौन सी है? फोर्थ बोन। फोर्थ बोन है आपकी ये साइड की बोन। यहां पर अगर मैं यहाँ पे ये आईज बना दूं, ये आईज हो गई, ठीक है, इसके साइड से होकर बोन जा रही है, ये यहां से ये मैक्सिला हो गया, यहां से यहां तक की बोन होती है, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। कौन सी बोन? जाइगोमैटिक बोन। तो मैं उसको इधर ऐसा ड्रॉ कर देती हूँ। यहां पे मैं लिख देती हूँ जाइगोमैटिक बोन। कितनी है? दो है ये भी नंबर में, अभी तक दो ही चल रही है। दो नेसल बोन, दो मैक्सिला, यहां से लेके यहां तक की ये मैक्सिला, फिर इसी के पीछे की तरफ में दो लैक्रिमल और ये दो जाइगोमैटिक। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब हम देखते हैं एक और बोन नीचे की। ये जो बोन हमको पता चल रही है, चूने में पता चल रही है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। कितनी दिख रही है आपको? ये एक बोन है, ओनली वन बोन है, इसका नाम है क्या? मैंडिबल। मैंडिबल कितनी है? ओनली वन। अभी कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8, 1, 9 हो गई। ठीक, अब देखो, अब एक बोन होती है जिसका नाम होता है वोमर। क्या नाम होता है उसका? वोमर बोन। अगर हमारी ये नोज है, इसको हम हटा देते हैं, तो इसके पीछे की तरफ में इस तरीके से फंसी हुई है वो बोन। कैसी? इस तरीके से फंसी हुई है। अगर मैं यहां पर बोलूं तो वो है इस तरीके से, यहां पर है नेजल। ये जो नेजल बोन है ये ऊपर है, लेकिन उसके नीचे की तरफ में, पीछे की तरफ में क्या है? यहां पर वोमर है। और ये भी कितनी नंबर में है? ये भी वन नंबर है। वोमर कितनी बोन है? वन बोन है। ये क्या करती है वोमर बोन? आपका राइट यहां पर नोज का चैम्बर और ये लेफ्ट, इसको यहाँ पे पीछे जाके वो पार्टीशन देती है। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब कौन सी बोन बची? अब बची ये जो नोस्ट्रल दिखाई दे रहे हैं साइड के, इसके पीछे अंदर की तरफ में एक और दो, इस तरीके से बोन गई है, इस तरीके से अंदर की तरफ में जा रही है कि यहां पर बना देती है। बाहर से नहीं दिखाई देती है, जो नॉस्ट्रल के साइड वाला पार्ट है, इसकी तरफ अगर हम अंदर जाएंगे तो हमको वो दिखाई देगी। और इनको बोलते हैं क्या? नेजल कॉनकेव या कॉनका। नेजल कॉनकेव। और ये कितने हैं? ये भी दो हैं, क्योंकि एक इधर एक इधर। सिंगल बोन केवल कौन सी है आपकी? जो वोमर, एक सिंगल है और एक ये आपकी बोन है मैंडिबल। ठीक, तो अभी कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 हो गई। दो बोन और बाकी है ये। ठीक, तो अब एक और बोन का नाम है कौन सी? यहाँ पर जो आपकी नोज है और आपका जो माउथ है, इसके बीच में एक बोन है, पैलेंटाइन बोन। देखो, आप अपनी टंग को ट्विस्ट करो और ऊपर की तरफ टच करो, तो आपको हार्ड पैलेट महसूस होता है। जब हम कुछ कड़क चीज खा लेते हैं सडनली, सॉफ्ट के बाद में बहुत ज्यादा, तो आपका ये ऊपर का जो तालू होता है वो छिल जाता है। तो वो कैसी एक बोन है जो आपकी, देखो ये नोज है, ये माउथ है, ये नीचे की चिन हो गई। ठीक, अब नोज की ये गया है नेजल चैम्बर, यहाँ पर पूरा ये पाइप जा रहा है, राइट, जो हमारा आगे चल के क्या बन जाता है? आगे ट्रैकिया, ब्रोंकस, ये सब बन जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बन जाता है। और ये होगी हमारा माउथ का ट्रैक्ट। ठीक है, जो आगे चल के क्या बन जाता है? इसोफेगस बन जाता है, एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। ठीक, तो अब ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इधर से एयर जाती है, यहाँ से खाना पानी जाता है। तो इसके बीच में जो बोन है वो प्रेजेंट है कौन सी? पैलेंटाइन बोन। और ये बोन भी कितनी है? ये भी टू इन नंबर है। कितनी है? दो। जो इस तरह की बोन आपको एक दिख रही है वो एक है, लेकिन आधी इधर आधी इधर, इस तरीके से लगी हुई है। तो हमारे फेशियल में टोटल 14 बोन्स कंप्लीट हो गई। ये हो गई दो,
नेजल बोन्स, यहाँ पे ऊपर एक वो स्ट्रिप आती है जिसको बोलते हैं खर्राटे स्नोर करते हैं तो उनके लिए एक स्ट्रिप आती है लगाने के लिए कि यहाँ पर लगा लो, तो वो इसी एरिया में लगाई जाती है। आप यहाँ पे चूके महसूस भी कर सकते हैं, ये आपको बोन महसूस हो रही है, ये नेजल बोन दो, उसके पीछे से स्टार्ट है आपकी ये वाली, ठीक है, मैग्जिला बोन, यहाँ तक ये पूरा आपका अपर लिप ये भी लेके जाएगा, ठीक। ये हो गई दो, टू प्लस टू फोर हो गई। फिर अंदर की तरफ में टू लैक्रिमल बोन्स है जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, सिक्स। फिर यहाँ पर होगी ये जाइगोमेटिक, ठीक है, ये भी दो है, एट, ठीक। फिर ये नोज को हटा देंगे, उसके पीछे की तरफ में एक सिंगल बोन हो गई, कौन सी, वोमर। वोमर के नीचे यहाँ पर ओरल, ओरिफिस और यहाँ पे नेजल, ये जो नेजल चैम्बर है उसके पीछे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके बीच में पैलेंटाइन बोन, वो भी दो है, और एक सिंगल कौन सी है, ये मैंडिबल है। तो ये हो गई आपकी टोटल 14 बोन। यहाँ की हो गई कितनी आपकी, 8 क्रैनियल, फ्रंटल, यहाँ पे पैराइटल, पीछे ऑसिपेटल, ये टेम्पोरल हो गई, यहाँ पे पीछे की तरफ में आईज के भी पीछे की तरफ में स्पिनोइड बटरफ्लाई शेप की, और उसके नीचे की तरफ में एथमॉइड हो गई। तो वो टोटल 8 और यहाँ की 14 मिलके टोटल क्या बन जाता है, आपका स्कल बन जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको टोटल बोन्स, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपेटल, टेम्पोरल, स्पिनोइड, एथमॉइड, ठीक है। फेशियल बोन्स में नेजल बोन्स, मैग्जिला, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, वोमर, नेजल कौन के, यहाँ पे अंदर की तरफ में दो नेजल कौन के और पैलेंटाइन बोन, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमको कौन सा देखना है, अब देखना है ईयर ऑसिकल्स के अंदर।